प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, जहां देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, जहां देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ, वही इलाहाबाद जहां की मिट्टी चंद्रशेखर आजाद जैसे आजादी के नायकों के खून से सनी होने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करती है, वही इलाहाबाद जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होकर संगम बनता है, वही इलाहाबाद जहां कई बच्चों के सपनों को नया आकार मिलता है। वही इलाहाबाद जिसकी कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन आज हम बात उसी इलाहाबाद की एक ऐसी कहानी की करेंगे जो इलाहाबाद के माथे पर एक कलंक लगा गई। इलाहाबाद से निकलने वाले एक ऐसे शख्स की ये कहानी है जिसने यूपी की राजनीति में डानबाजी करते हुए एंट्री की और सूबे में खौफ का नया नाम बन गया। लेकिन एक हत्याकांड ने उसके राजनीतिक करियर पर ऐसा ग्रहण लगाया कि आज उसके सभी मंसूबों पर बुलडोजर चल रहा है। बता दें कि ये कहानी शुरू होती है तत्कालीन इलाहाबाद के एक छोटे से कस्बे चकिया से, जहां एक तांगे वाले का लड़का दसवीं में फेल होने के बाद जवानी के जोश में जराइम की दुनिया में कदम रख देता है और उस वक्त के सबसे बड़े गैंग चांद बाबा गैंग का सफाया कर अपना साम्राज्य बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाता है और अगले 3 दशक तक वो सूबे में खौफ का नया बादशाह बन जाता है। लेकिन इस बाहुबली की सत्ता को चुनौती भी मिलती है इस बीच, जिसका वो बदला खौफनाक तरीके से लेता है और चुनौती देने वाले को दिन दहाड़े सड़क पर 19 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार कर अपना बदला पूरा करता है। लेकिन यहीं से इस बाहुबली के साम्राज्य की ईंट हिलना शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे और आज हम आपको किस्सा सुना रहे हैं बाहुबली अतीक अहमद और राजू पाल का। मौजूदा वक्त में प्रयागराज और पूर्व में इलाहाबाद, यहां पर एक मोहल्ला है चकिया, जहां फिरोज नाम का एक शख्स रोजी रोटी के लिए तांगा चलाता था और यहीं पर एक गैंग हुआ करता था जिसका सर्वेसर्वा चांद बाबा था। इस गैंग ने पूरे इलाहाबाद में खूब तबाही उस वक्त मचाई थी। कोई ऐसा काम नहीं था जो ये गैंग नहीं करता था। फिरौती से लेकर नशे का कारोबार ये गैंग करता था और इस गैंग का रुतबा ऐसा कि पुलिस वाले भी इस गैंग से खूब कांपते थे। इस बीच फिरोज तांगे वाले के घर 10 अगस्त 1962 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। आम बच्चों की तरह अतीक अहमद ने ही पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। किसी तरह अतीक 10वीं क्लास तक तो पहुंच गया, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा उसके बस की बात नहीं थी, वो वहां पर फेल हो गया। बस फिर क्या था, यहीं से उसने जराइम की दुनिया में एंट्री कर ली, अपना गिरोह बनाना शुरू किया और जब जहां जिसे जैसे चाहा ठोक पीट दिया। गैंग इतनी खौफनाक बनाई कि उसने सीधा चांद बाबा के गैंग से ही टक्कर ले लिया। फिर आया वो साल जब अतीक के किस्से पूरे सूबे में फैल गए। ये साल था 1979। मात्र 17 साल की उम्र में अतीक पर पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और अगले 3 दशक तक अतीक सूबे में खौफ का नया नाम बन गया। इलाहाबाद तो इलाहाबाद था, आसपास के जिलों में भी अतीक का आतंक खूब बोला और उसने इन जिलों में भी अपना गैंग बखूबी चलाया और बढ़ाया। इस बीच पावर इतनी हो गई कि 1989 में अतीक अहमद राजनीति में कूद पड़ा और इलाहाबाद पश्चिमी से अतीक अहमद ने निर्दलीय पर्चा भर दिया, जिसकी वजह से गैंगस्टर चांद बाबा के साथ उसकी अदावत और बढ़ गई। 1989 की विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद और चांद बाबा आमने सामने आ गए। जबरदस्त जंग के बाद अतीक अहमद ने जीत दर्ज कर ली और विधायक बन बैठा। इसी के साथ अतीक के बाहुबल में इतना इजाफा हुआ कि वो 1989 में चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही चांद बाबा को बीच चौराहे पर भरे बाजार में हत्या कर डाली। हालांकि इसका केवल आरोप ही लगा था। दावा किया गया कि पुलिस की सह मिलने पर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग साफ कर दिया था। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला
कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी से टिकट लेने से मना करने लगे। यही कारण था कि अतीक 1991 और 1993 भी लगातार निर्दलीय वहां से चुनाव जीतता रहा। इसके बाद आया साल 1996, जहां पर अतीक अहमद को साथ मिला समाजवादी पार्टी का और वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर चौथी बार फिर विधायक बन बैठा। इसके बाद अतीक अहमद ने 1999 में अपना दल का हाथ थाम लिया और इसके तुरंत बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी और अब उसकी नजर लखनऊ से आगे बढ़कर दिल्ली पर टिक गई। इसीलिए 2004 में अतीक अहमद सपा से सांसद की टिकट ले आए और फूलपुर से हुंकार भर दी और 64,347 वोटों से उसने विजय प्राप्त कर सांसद बन गया। दूसरी तरफ इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो गई तो उसने उपचुनाव में अपने छोटे भाई खालिद अजीम और अशरफ को सपा के टिकट से मैदान में उतार दिया और यहीं पर एंट्री हुई राजू पाल की। राजू पाल वो शख्स जो 2000 के दशक में इलाहाबाद में अतीक की गैंग के बीच अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ाने में लगा हुआ था और मौका मिलने पर वो अतीक के गुर्गों का काम खल्लास करने में भी पीछे नहीं रहता था। बस इसी बीच राजूपाल ने अब अतीक अहमद से आमने सामने टक्कर लेने की ठान ली और 2004 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट के उपचुनाव में वो भी मैदान में उतर आया और साथ मिला उसे बहुजन समाजवादी पार्टी का, मतलब दो कद्दावर धुर विरोधी पार्टियां आमने सामने। फिर भी अतीक अहमद ने राजूपाल को यहाँ पर भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उपचुनाव ने अतीक और अतीक की गैंग के पैर तले से जमीन खिसका दी। दरअसल राजूपाल ने अतीक के भाई खालिद अजीम और अशरफ को 4,818 वोटों से हरा दिया। अतीक का पूरा गैंग पागल सा हो गया। बस अब वो राजूपाल से बदला लेने के फिराक में था। विधायक चुने जाने के बाद से राजूपाल पर दो बार घातक हमला हो चुका था। इन घटनाओं से इलाके की पुलिस को भी बखूबी समझ आ गया था कि राजूपाल की जान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन खुद राजू की गुहार के बावजूद भी उन्हें माकूल सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। और फिर आया साल 2005, जब इलाहाबाद की सड़कों पर खुलेआम तांडव मचाया गया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजूपाल दोपहर करीब 3 बजे दो गाड़ियों के साथ SRN अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से अपने साथियों के साथ धूमनगंज के नीवा अपने घर लौट रहे थे। तभी सुलेमसराय GT रोड के पास उनकी गाड़ी के सामने आकर एक गाड़ी अचानक से रुकती है। जब तक कोई कुछ समझ पाता संभल पाता, उससे पहले ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाहाबाद सन्न था। राजूपाल के शरीर में कुल 19 गोलियां उतार दी गई। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक राजूपाल दम तोड़ चुके थे। दिन दहाड़े एक विधायक को सड़कों पर दौड़ाकर गोलियों से छलने किया गया था। पूरा शहर खुद को शमशान समझ रहा था। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक की गलियां खौफ में थी। इस खौफनाक गुंडई को अंजाम देने में नाम आया 4 बार के विधायक रह चुके और मौजूदा सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का, जिसके बाद धूमनगंज थाने में तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उनके छोटे भाई अशरफ, करीबियों फरहान, आबिद, रंजीत पाल, गुफरान समेत 9 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, धारा 307, 302, 120B, 506 IPC और 7 पर CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया और राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अपने पति के लिए जंग लड़ने की ठान ली। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर 2005 में उपचुनाव हुए। इस बार अतीक के भाई अशरफ के सामने दिवंगत राजूपाल की पत्नी पूजा पाल थी। हालांकि इस उपचुनाव में अतीक के भाई अशरफ को जीत मिल गई, लेकिन पूजा पाल ने यहां पर उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। इसी का नतीजा था कि 2007 में जब विधानसभा चुनाव हुए इस सीट पर, तो पूजा पाल ने अशरफ को पटखनी दे डाली और 10,322 वोटों से उन्हें हरा दिया। इस तरह से राजूपाल और अतीक अहमद के बीच शुरू हुई एक खूनी संघर्ष की कहानी का सर्कल पूरा हुआ।
लेकिन राजूपाल हत्याकांड ने बाहुबली अतीक अहमद के राजनीतिक करियर को ढहाना शुरू कर दिया था और पूजा पाल ने उसके खौफ को समाप्त करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। यहीं से अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म होने लगा और इतने बुरे दिन आए कि 2012 में अपना दल के टिकट पर जब अतीक अहमद पूजा पाल के सामने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट पर फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने उतरा तो वो मैदान में जबरदस्त मात खाई और उसे पूजा पाल ने 8,885 वोटों से हरा दिया। इस तरह से उसका साम्राज्य खत्म होने लगा। कानून का शिकंजा भी दूसरी तरफ बढ़ता गया और 2017 में अतीक अहमद को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मौजूदा वक्त में वो अहमदाबाद की जेल में बंद है, जबकि राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर आरोपों की जांच फिलहाल सीबीआई कर ही रही है। दोनों का नाम चार्जशीट में दर्ज है। वहीं जब से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हुए तब से अतीक के साम्राज्य पर लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। तो ये था इलाहाबाद के चकिया से शुरू हुए एक तांगे वाले के लड़के का डॉन बनने का किस्सा, चांद बाबा और अतीक अहमद का किस्सा, राजूपाल और अतीक के गैंग का किस्सा, इलाहाबाद के सड़कों पर दिन दहाड़े तांडव मचाकर एक विधायक को दौड़ाकर मौत के घाट उतार देने का किस्सा, पूजा पाल के दृढ़ इच्छा का किस्सा और एक खौफनाक साम्राज्य पर बुलडोजर चलाकर उसे नेस्तनाबूत करने का किस्सा। फिलहाल आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप ऐसी कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।